स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया की जो कंडीशन होती है, जो डेप्थ ऑफ एनेस्थेशिया है उसे कुछ स्टेजेस, 4 स्टेज और 4 प्लेन्स में डिवाइड किया था गुडल नाम के साइंटिस्ट ने। उसने इंडक्शन एजेंट के तौर पर इथर का इस्तेमाल किया था। तो जो उसने स्टेप्स बताई है उसे हम दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कुछ उसमें चेंजेस करके। इस स्टेजेस को डिफाइन करने के लिए उसने कुछ पैरामीटर्स बताए थे, जैसे रेस्पिरेशन, आईबॉल मूवमेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेरियस रिफ्लेक्सेस, सिक्रीशन ऑफ टीयर्स, रिस्पॉन्स टू स्किन इंसिजन, इवेलुएशन ऑफ पेरिंजियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस। स्टेजेस वी आर फर्स्ट डिस्क्राइब फॉर इथर एनेस्थेशिया जो हमने पहले देख लिया है, और उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑल एनेस्थेटिक एजेंट के लिए। और ये सारे जो स्टेजेस हैं हम इंडक्शन और रिकवरी के टाइम ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं। नाउ स्टेज 1 जिसे स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया भी कहते हैं, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहलेशन एंड लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जब पेशेंट का कॉन्शियसनेस खत्म होगा वहाँ पर स्टेज 1 भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें पेन प्रोग्रेसली धीरे धीरे एबोलिश्ड होता है, पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस, पेशेंट सुन सकता है, देख सकता है और महसूस कर सकता है, और यहाँ पे ड्रीम लाइक कंडीशन होती है। रिफ्लेक्सेस और रिस्पिरेशन जो है वो नॉर्मल होता है। कुछ माइनर ऑपरेशन जैसे आउटडोर पेशेंट्स ओपीडी बेसिस पे हम कोई स्वेलिंग वगैरह रिमूव कर रहे हैं तो ऐसे प्रोसीजर्स को हम इस स्टेज में कर सकते हैं। दिस इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। सिर्फ पेन नहीं होता पेशेंट को बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, देयरफॉर इसका यूज़ जो है लिमिटेड है टू शॉर्ट प्रोसीजर ओनली। अब स्टेज 2 में एक्साइटमेंट, स्टेज स्टार्ट फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अप टू गेन ऑफ रिदमिकल रेस्पिरेशन। स्टेज स्टार्ट फ्रॉम जब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा वहाँ से स्टेज 2 शुरू होती है, और जब रेस्पिरेशन रिदमिक हो जाएगा वहाँ तक की स्टेज 2 रहेगी। ठीक है, रेस्पिरेशन इसमें इरेगुलर रहता है और वॉल्यूम जो है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लार्ज रहता है इसमें, जो कि धीरे धीरे रेगुलरिटी की तरफ आएगा, रिदमिकल हो जाएगा। हार्ट रेट और बीपी बढ़ता है इसमें, पीपिल लार्ज और डाइवर्जेंट हो जाएगी, मसल टोन बढ़ेगी और हो सकता है कि जॉ टाइटनेस भी मिले। पेशेंट में शाउट और स्ट्रगल, इसमें चिल्ला सकता है, चीख सकता है पेशेंट। दिस इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इनवॉलंटरीली वो यूरिन और फीकल पास कर सकता है, फीकल मैटर को पास कर सकता है। इनवॉलंटरी मिक्चुरेशन और डेफिकेशन हो जाता है इसमें। यहाँ पे बताया गया स्टेज 1, 2, 3, और 3 में फिर 1st प्लेन, 2nd प्लेन, 3rd प्लेन एंड 4th प्लेन, और फिर स्टेज 4। तो स्टेज 2 के प्लेन 3 में जो है हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, नाउ स्टेज 3 जिसको हम सर्जिकल एनेस्थेशिया भी कहते हैं, इसमें रोइंग आईबॉल्स मिलती हैं। दिस प्लेन्स एंड व्हेन आईज बिकम फिक्स्ड। ठीक है, पहले आईबॉल की मूवमेंट होती है और जब आई मूवमेंट फिक्स हो जाती है तो वहाँ तक जो है वो सर्जिकल एनेस्थेशिया की स्टेज होती है। इसमें कॉर्नियल और लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है और लाइट रिफ्लेक्स नहीं मिलता, इंटरकोस्टल पैरालिसिस हो जाती है, शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मिलता है और डायलेटेड प्यूपिल्स होती हैं। एंड एनेस्थेशिया पासेस टू डीपर प्लेन्स, प्रोग्रेसिवली मसल टोन डिक्रीजेस, बीपी फॉल कर जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स वीक मिलती है, रेस्पिरेशन डिक्रीजेज इन डेप्थ एंड लेटर इन फ्रिक्वेंसी। स्टेज 4 में स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, देयर इज सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग लीडिंग टू फेलवर ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ। इसमें रेस्पिरेटरी
मोमेंट जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रुकने से पेशेंट की सर्कुलेटरी फेलवर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसमें प्यूपिल जो है वो वाइडली डायलेटेड होती है, मसल्स जो है वो टोटली फ्लैबी हो जाते हैं, पल्स इज थ्रेडी एंड इम्परसेप्टिबल, बीपी बहुत कम हो जाएगा। ये थी स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया स्पेशली फॉर इथर।